तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 8N गेमिंग। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वाले एपिसोड के अंदर माइकल, ट्रेवर और ब्रेड वहां पे बैंक लूटने गए थे। एंड भाई, हमने बैंक तो अच्छे से लूट लिया था, लेकिन भाई जब हम बैंक लूट के जा रहे थे तब ब्रेड को गोली लगा था। एंड भाई, उसका मौत वहीं पर हो गया था, लेकिन भाई जो कि माइकल एंड ट्रेवर थे वो वहां से बच के निकल गए थे। एंड अब हमको पता नहीं है भाई साहब माइकल एंड ट्रेवर किधर है, लेकिन भाई आज हमको मौका मिल रहा है जो कि है भाई साहब फ्रैंकलिन को चलाने का, जो कि एक अपने आप में भाई साहब चोर बंदा है। तो भाई हमको आज ये दोनों का दोनों कार चुराना है भाई साहब। ये दोनों का दोनों कार देखने के अंदर कितना ही खतरनाक लग रहा है। तो भाई जो कि हमारे साथ जो बंदा आया था लामोर, जिसका नाम भाई साहब से लामोर है मेरे ख्याल से, तो वाला बंदा यहाँ पे भाई साहब कार लेकर निकल चुका है। एंड अब हमको उसको फॉलो करने का बंदे को, तो भाई जल्दी से जल्दी उसको फॉलो करते हैं। एंड अगर वो वाला बंदा यहाँ से निकल जाता है तो भाई पुलिस हमको पकड़ लेगा। एंड अगर हम लोगों को उसके पीछे चलाना भाई बेसिकली गाड़ी, क्योंकि भाई उस वाले बंदे को पता है कि हमको किधर जाने का है एंड हमको क्या करने का। चलिए गाइस, सबसे पहले चलते भाई साहब उस वाले बंदे के पीछे। एंड भाई आजकल थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ कार चलाना, लेकिन अभी इतना कुछ अच्छा खासा नहीं आ रहा है। तो भाई साहब कार तो 100% ठुके गए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, खतरनाक जैसे मैंने यहाँ पे कार ठोक दिया, बहुत ही गलत सिचुएशन यार कार का, तो भाई साहब यहाँ पे सत्यानाश कर दिया। तो चलो कोई ना भाई, वाला बंदा जो कि जिस बंदे को हमको ये कार देने जाना है, वाला बंदा यहाँ पे भाई साहब मैकेनिक है। तो वाला बंदा यहाँ पे उस कार को, यानी कि इस कार को जितना भी मैं तोड़ूंगा तो वाला बंदा इसको ठीक कर देगा। तो गाइस यहाँ पे मैं फिलहाल तो भाई साहब अपने कार को भगाते भगाते इस वाली जगह पर लेके आ जाता हूँ। एंड भाई अभी भी मैं यहाँ पे कार को ठोकना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है मेरे को कार इतना अच्छा चलाना नहीं आता। चलो यार कोई ना, रेड लाइट को तो हम वैसे भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं GTA 5 में यार। तो चलो, तो गाइस सबसे पहले चलते भाई इस वाले बंदे के पीछे। भाई साहब धीरे चला रहे हैं, फिर फास्ट चला रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, देख रहे हो इन बंदों का भाई, रेड लाइट हो रखी है। एंड बंदा यहाँ पे पता नहीं क्या पी के चला रहा है गाड़ी या फिर क्या चला रहा है। खैर यहाँ पे यार सुबह का माहौल है, तो अभी तो पी नहीं होगी बेचारे ने, बिना बात का मैं उसको बदनाम कर रहा हूँ। तो चलो यार कोई ना, यहाँ पे सबसे पहले भाई साहब इसके बंदे के पीछे ही चलाने का है हमको। भाई यहाँ पे कितना खतरनाक यहाँ पे गाड़ी स्लिप कर रहा है, या बहुत ही खतरनाक गाड़ी है भाई, देखने के अंदर कितना मस्त लग रहा है गाड़ी। हमारे को भाई साहब एक गाड़ी मिलने वाला है, लेकिन अभी यहाँ पे उसको मिलने के अंदर यार थोड़ा बहुत देर है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा भाई साहब, GTA 5 के अंदर तो भाई अपने को जो कार मिलता है वो कार अपना ही होता है, लेकिन भाई उसको कार को लेने के लिए यार सबसे पहले पुलिस से पंगा लेना ही पड़ता है। तो चलो यार कोई ना, उससे पुलिस वालों से पंगा ले ही ले गए। तो ये वाला बंदा गाइस हमको सबसे पहले यहाँ पे लेके आ जाता है इस वाली जगह पर। गाइस तो इस वाली जगह के अंदर हमको पार्किंग स्लॉट है जहाँ पे हम दोनों के दोनों रुकने वाले। तो गाइस चलो सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो भाई, हम यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों बंदे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई, कि क्या हलचल हो रहा है, कि तूने यहाँ पे गाड़ी कैसी चलाई भाई साहब, यहाँ पे गाड़ी कैसी ठोक दी। तो चलो यार उसको तो वहाँ पे हमारा गाड़ी का सिचुएशन का पता चल ही रहा होगा गाइस, कि हमारा गाड़ी का सिचुएशन क्या हो चुका है। तो भाई ये वाला बंदे यहाँ से निकल चुका, क्योंकि भाई अब पड़ने वाली है पुलिस। तो गाइस भाई साहब पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है। एंड भाई साहब पुलिस से बचते बचाते भाई यहाँ पे हम गाड़ी को ठोकते ठुकाते यहाँ पे भाई साहब लेके आ चुके। तो चलो यार कोई ना, पुलिस वाले से तो बच ही जाएगा भाई, वैसे भी 2 स्टार की पुलिस चढ़ी। एंड भाई साहब लॉस सैंटोस की पुलिस का तो यार बस पूछो ही ना भाई, कितनी खतरनाक पुलिस है भाई। आपका अगर एक बार पीछा करते हैं तो भाई तो आपको बचना यहाँ पे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। वैसे तो यार यहाँ पे हम बच जाएंगे, थोड़ा मुश्किल ही होता है यार बचने के अंदर, लेकिन यार बच जाते हैं। तो चलो यार सबसे पहले चलते हैं यार यहाँ पे, हम फुल स्पीड में हमारे को गाड़ी को भगा रहे हैं। वैसे मेरे को चलाना नहीं आता, फिर भी जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, मैंने कितनी बुरी तरीके से उस बंदे को यहाँ पे कार लाके ठोकी। एंड भाई वाला बंदा भी वहाँ से पीछे से चिल्ला रहा होगा भाई साहब, क्या क्या कौन सा बंदा यार यहाँ पे कैसे तरीके से यहाँ पे कार वार को फोड़ देता है भाई साहब यहाँ पे। तो चलो यार कोई ना, यहाँ पे भाई साहब अगर कोई अच्छा रास्ता मेरे को मिल जाता तो भाई उस वाले रास्ते पे हम चले जाएंगे। एंड भाई वहाँ पे अगर पुलिस वाले का खतरा नहीं होता तो भाई अच्छा रहेगा। तो शायद से पेट्रोल पंप था जहाँ पे मैं अभी तक यहाँ पे कार को ठोकम ठाके कर रहा था। यहाँ पे भाई साहब मैंने एक यहाँ पे जो कि थंबला होता है वाला तोड़ दिया। तो चलो यार कोई ना, वैसे भी अपना थोड़ी यहाँ पे नुकसान होगा भाई, कितना बड़ा ट्रक है यार, इतने बड़े ट्रक को यहाँ पे चलाने का यहाँ पे ऑर्डर कौन देता है यार। बड़े रोड पे चलाओ, इतना छोटा रोड है यहाँ पे चला रहे हो तुम, ऐसा कैसे चलेगा भाई साहब। यहाँ पे कौन सा स्टंट हो गया भाई ये मेरे से, सामने वाले बंदे के ऊपर भाई यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी गाड़ी चढ़ा दी यार भाई, गलत यार, बहुत ही गलत सिचुएशन हो गया था। चलो यार कोई ना भाई, यहाँ पे चलते हैं अपने और आगे की तरफ भाई। ओ भाई साहब यहाँ पे कितनी खतरनाक पुलिस है भाई, सामने से ब्लॉक कर रही है रास्ता यार, थोड़ा हट जाओ यार, रास्ता दे दो यार, सेलिब्रिटी हम इतने बड़े होने वाले भाई, प्रेसिडेंट है हम यार, लॉस सैंटोस हमारा है भाई, तुम्हारा नहीं है भाई साहब। ये थमला यहाँ पे यार, ये वाला क्यों नहीं टूटा भाई, सारे के सारे टूट जाते तो ये वाला क्यों नहीं टूटा। ओके तो भाई यहाँ पे अब हम आ चुके भाई साहब रेल के पटरी को, भाई सामने से मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, शायद से गाड़ी निकालने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई भाई साहब यहाँ पे कार ठुक चुके भाई अपना यार, बहुत गलत भाई, कार का एक बार जस्ट तुम लुक देखो भाई, क्या से वो होता है ना भाई साहब, गाना सुना है ना तुम लोगों ने, क्या से क्या हो गया भाई, बस यहाँ पे भी भाई साहब क्या से क्या हो गया, देखते देखते वहाँ पे देखते देखते हुआ था। एंड यहाँ पे भाई साहब चलाते चलाते हो गया। तो चलो यार कोई ना, यहाँ पे चलते और आगे की तरफ भाई, यहाँ पे मेरे को शायद से कुछ पुलिस वालों का खतरा नहीं होगा। तो भाई वैसे तो सामने वाले, सामने की तरफ बहुत सारे पुलिस वाले भाई, उन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भाई साहब एक और तंगी हो जाएगा, एक और परेशानी होगा भाई, अगर यहाँ से ट्रेन आ जाता है सामने से तो भाई यहाँ पे अपना सीधा का सीधा भाई मौत हो जाएगा। ओ भाई
भाई क्या क्या ही टक्कर मारा, मेरे को लगा यार ये वाला रेलिंग टूट जाएगा यार, लेकिन नहीं टूटा यार, बहुत पक्का रेलिंग है। चलो यार वैसे भी ट्रेन का रेलिंग पक्का होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो भाई ट्रेन सीधा का सीधा यार तोड़ के लॉस सेंटोस के अंदर घुस जाएगा एंड यहाँ पे तबाही तबाही हो जाएगा। तो चलो यार कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाया गया इन लोगों ने, तो भाई यहाँ पे आपके बारे में ये भूल नहीं करूँगा भाई। ओ भाई साहब यहाँ पे भाई कार का लुक देखो जस्ट यार, क्या ही खतरनाक हो गया भाई ये मॉडल बनाने के लिए यार, यहाँ पे मेरे को नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या बोलते हो गाइस। तो यहाँ पे अपने को अब यहाँ पे पुलिस तो अपने पीछे से हट चुकी है एंड जो कि अपने येलो मार्क आ रहा है भाई, अब यहाँ पे हमको चलना है येलो मार्क के ऊपर। उस बंदे को यहाँ पे अपने को कार दे के आनी गाइस, जिस वाले बंदे ने हमको यहाँ पे ऑर्डर दिया था कार लाने का। तो गाइस यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कौन से रास्ते से जाऊँ, तो यहाँ पे रास्ता मेरे को वैसे तो सामने दिख ही रहा है मैप के अंदर, तो चलो गाइस यहाँ पे रास्ते के ऊपर ही चलते भाई, और क्या कर सकते भाई सब सामने। ओ भाई यार खतरनाक ड्राइविंग हो रही है यार मेरी, सबसे लॉस रेस्टोरेंट्स के अंदर है ना सबसे खतरनाक ड्राइविंग मैं ही करता हूँ गाइस, देख रहे हो यार सारे बंदे डर रहे हैं गाड़ी चलाने से। ओ भाई कितनी बार ठोकूंगा पता नहीं यार, यहाँ मैं गाड़ी यार गाड़ी का पूरा खबाड़ा बना दूंगा यार, यहाँ पे गाड़ी फूट गया ना भाई वाला बंदा वहाँ पे मेरे को मार देगा भाई सच में। तो चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पे ये टैक्सी को ठोक दिया भाई, अंदर कोई बैठा होगा ना भाई तो टैक्सी वाले को गाड़ी गाली देगा। ओके तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं, तो इनसे अभी अपने को कोई भी पंगा लेने की जरूरत नहीं भाई, जब जरूरत होगा पंगा लेने का तो भाई इन लोगों से भी पंगा ले लेगा। तो चलो यार चलते हैं, अब की बार अपने यहाँ पे बिल्कुल भी गाड़ी नहीं ठोकूंगा यार। वैसे यार ये वाला गाड़ी में यार ना थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट खिला रहा हूँ ना भाई, तो ये जब पहले यहाँ पे ब्रेक मार रहा था तब यहाँ पे गाड़ी बहुत ही खतरनाक एंड स्मूथ चल रहा था, लेकिन भाई इतना सब कुछ होने के बाद यार कोई भी गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगा। तो यार कोई नहीं, चलो यार चलते, वाला बंदा वैसे भी इस वाले गाड़ी को ठीक कर ही देगा, क्योंकि भाई वाला बंदा यहाँ पे मकैनिक है शायद से मेरे को ऐसा लगता है। तो चलो यार कोई नहीं, तो गाइस यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सबसे पहले तो एंड भाई यहाँ पे जाते जाते एक नैनो वाले को मैंने ठोक दी भाई गाड़ी का, यहाँ पे बस पूरा का पूरा मेंढक आते ना भाई गाड़ी का वो बन चुका है यार बहुत गलत। चलो यार कोई बात नहीं यार यहाँ पे और अपने आगे चलते यार, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे इतना सारे गाड़ी है, जो गाड़ी चाहिए वो अपने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे भाई चलते और क्या कर सकते भाई, यहाँ पे इस वाले बंदे को सबसे पहले ठोकते भाई यार, यहाँ पे कतई खतरनाक यार, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना ये वाले पेड़ से जरूर ठोकता हूँ भाई, ये वाले पेड़ को ही मैं कटवा दूंगा किसी ने। तो चलो गाइस यहाँ पे अपने पहुँच चुके अब इसके अंदर एंड भाई यहाँ पे अपने को जो भी ये बंदा करना चाहेगा वो वाला बंदा यहाँ पे कर लेगा एंड इसको जो भी गाड़ी का मरम्मत वरम्मत करना होगा तो भाई यहाँ पे कर लेगा। एंड भाई ये वाला बंदा जो कि यहाँ पे खड़ा है जो कि अपने साथी यहाँ पे आया था भाई साहब रेड कार को लेकर, एंड भाई इसका कार देखो भाई जरा भी स्क्रैच नहीं आया एंड हमारा कार देखो भाई कतई खतरनाक यार बहुत ही गलत है। तो गाइस यहाँ पे अपने यहाँ पे फिलहाल तो अपने को यहाँ पे उस वाले बंदे ने अपने को यहाँ पे ये कार गिफ्ट कर दी गाइस, क्योंकि ये अपना इनाम है गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा गाइस यहाँ पे अपने ने दो कार उस वाले बंदे को ला के दी, तो गाइस दो कार के बदले में यार वो वाला बंदा एक कार तो दे ही सकता है, लेकिन यार ये वाली कार उन वाली कार से थोड़ी सी चीप क्वालिटी के मेरे को लग रही है देखने के अंदर भी एंड चलाने के अंदर भी। तो चलो यार कोई ना यार कुछ तो मिला कम से कम। तो यहाँ पे अब अपने को येलो मार्क के ऊपर चलने का एंड भाई साहब येलो मार्क किस बंदे का यहाँ पे घर है पता है, ये जो कि अपने यहाँ पे गाड़ी चला रहे भाई फ्रैंकलिन का यहाँ पे भाई साहब वो वाला घर है। तो मैं आप लोगों को अभी फिलहाल घर भी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर उस फ्रैंकलिन का, भाई साहब फ्रैंकलिन का घर कैसा है एंड भाई उसके घर के अंदर कौन कौन रहता है मेरे को पता नहीं। वैसे मैं फर्स्ट बार जा रहा हूँ इसके खुद के घर ही, मैं मेरे खुद के घर ही फर्स्ट बार जा रहा हूँ यार बहुत गलत। चलो यार कोई ना यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने घर। ओके भाई लेते हैं राइट टर्न भाई, इस वाली गाड़ी बहुत ही न्यू है तो इस वाली गाड़ी को मैं बिल्कुल ध्यान ध्यान से चला रहा हूँ एंड भाई बस ध्यान ध्यान से चलाते चलाते मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, तो भाई चलो थोड़ा पीछे लेते भाई अंदर जाने का अपने को, देखते भाई अंदर इसका घर कैसा होगा यहाँ पे क्या होगा इसके घर के अंदर, क्या भाई सब ताजमहल बना के रखा होगा यहाँ पे क्या बना के रखा होगा। ओ भाई यहाँ पे तो थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है यार वैसे तो घर यार, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है मैंने तो सोचा था भाई यहाँ पे, वैसे भी यार ये वाला बंदा चोर ही है तो यार इतना अच्छा खासा घर तो बेचारे का होगा नहीं, तो जो भी है भाई सब इसी के अंदर बेचारे को गुजारा करना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये वाला बंदा इसके साथ आ रहा था तो मेरे को लग रहा है कि इस वाला बंदे ने बोला भाई चल तू निकल यहाँ पे पहली फुर्सत से तेरे घर जा। ओके तो गाइस यहाँ पे अपने आ चुके अपने घर के अंदर एंड भाई अभी फ्रैंकलिन को चढ़ी है पूरी की पूरी नींद, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले इसको भाई साहब थोड़ी देर के लिए हम सुला देंगे भाई, अगर ये बंदा नहीं सोया ना भाई तो यहाँ पे फिर और मिशन हम यहाँ पे इससे नहीं कर पाएंगे। तो चलो यार सबसे पहले तो इस वाले बंदे को यहाँ पे भाई आराम से सुला देते भाई यहाँ पे आराम से सो जा। ओके तो गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन यहाँ पे सोकर उठ चुका है भाई साहब, सोकर उठने के साथ ही भाई यहाँ पे मेरे को एक कॉल आया था एक बंदे का, तो उस वाले बंदे ने हमको बुलाया भाई साहब उस वाले बंदे के पास, यानी कि जिस बंदे ने हमको यहाँ पे कार दी थी भाई उस वाले बंदे ने यहाँ पे हमको बुलाया, तो भाई उस वाले बंदे का तो यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उस वाले बंदे ने हमको फ्री में कार दे दी है, तो गाइस उस वाले बंदे का यहाँ पे काम करना बनता है। तो गाइस चलिए तो सबसे पहले चलते भाई उस वाले बंदे के पास, यानी कि उस वाले बंदे का यार मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को उस वाले बंदे का नाम पता नहीं है। तो चलो यार कोई बात
यहाँ पे एस जो कि आप लोगों को मैप पे दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं फिलहाल तो आ चुका हूँ फुल स्पीड में गाड़ी पकाते पकाते, एंड भाई साहब गाड़ी का मैंने कर दिया पूरा का पूरा कबाड़ा। तो चलो यार कोई ना, वैसे भी ये गाड़ी फिर से यहाँ पे अपने इसको ठीक करवा लेके तो इसका ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं सबसे पहले अंदर की तरफ, एंड अंदर की तरफ जाने के बाद ही गाइस मेरे को पता चलेगा कि ये वाला बंदा अपने को क्या काम देने वाला है, एंड इस वाले काम के बाद गाइस क्या हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ ये वाला बंदा आपके बार भी इनाम देगा। भाई यहाँ पे कोई अच्छा वाला गाड़ी दे देना तो भाई बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जो कि अपने को यहाँ पे मिला था ना जो दो गाड़ी उसमें से एक कार दे देना भाई बहुत ही मज़ा आ जाएगा। रेड वाला कार चाहिए, व्हाइट वाले का तो वैसे भी मैंने यहाँ पे चूरमा बना दिया है। तो चलो यार ये वाला बंदा थोड़ा यहाँ पे गले वाले मिल रहा है, मेरे को लग रहा है भाई यहाँ पे ये मीठी छुरी बन रहा है यहाँ पे अपने को, यहाँ पे बहुत ही गलत काम करवाएगा। ओके तो गाइस यार इस वाले बंदे से बात करने के बाद मेरे को पता चल रहा है कि ये वाला बंदा हमको यहाँ पे यूँ कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे आप लोगों को जाना है, एंड भाई वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को देखो भाई यहाँ पे क्या करना है। एक जो कि चीज़ है वो वाली चीज़ हमको वहाँ से उठा के लेके आने, तो सबसे पहले तो चलते भाई साहब हमारी कार के अंदर, एंड भाई उस वाली जगह पर चलते हैं। एंड भाई ये कार देख सकते हो आप, वही कार है। एंड भाई इस वाले बंदे ने इतनी जल्दी भाई वाली कार को यार ठीक करके दे दिया, भाई बंदे का यार जवाब ही नहीं भाई, इतनी जल्दी से यार कुछ भी नहीं होता। एंड इस बंदे ने ओनली 10-15 सेकंड के अंदर यार वाला कार ठीक करके दे दिया, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है यार। कोई बात नहीं, यहाँ पे कार ठीक तो गया लेकिन यार उस वाले कार को मैंने फिर से यहाँ पे ख़राब कर दिया। तो चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते सबसे पहले तो यार येलो मार्क के ऊपर जो कि आप लोगों को मैप के ऊपर दिख रहा है। भाई साहब यहाँ पे जस्ट आप लोग नज़ारा देखो भाई, रात का नज़ारा क्या ही ऑसम दिख रहा है भाई। यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल चौकी चौकी दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में देखते हो ना भाई वीडियो, तो आप लोगों को बिल्कुल यार रियल क्वालिटी मिलती है, रियल से थोड़ी सी यहाँ पे चीप क्वालिटी मिलती है क्योंकि यार रिकॉर्डिंग करने में एंड भाई बहुत सारी यहाँ पे प्रोसेस लगता है वीडियो का डालने के अंदर, तो उस वाली प्रोसेस के अंदर यार थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी घट जाता है। लेकिन यार अभी जो मैं खेल रहा हूँ उसका क्वालिटी भाई साहब एक नंबर है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले भाई यहाँ पे चलते अपने आगे की तरफ, यार बहुत बातें कर ली। एंड भाई वाला बंदा जो कि अपने कार के अंदर बैठा पता नहीं अपने से क्या बातें कर रहा है, वैसे भी अपना इंग्लिश सस्ता ही है भाई यहाँ पे। कोई ना यार यहाँ पे इंग्लिश के बिना ही यहाँ पे अपने काम चला लेंगे क्योंकि अपने पास दिमाग, यार दिमाग को तो इंग्लिश की ज़रूरत ही का है। तो चलो यार सबसे पहले आप लोग आगे देख ही सकते हो यार, थोड़ा बहुत यहाँ पे रोड वगैरह खाली है क्योंकि रात का सीन है, तो जो कि एक अच्छी बात है यार अपने को कार चलाने में, ड्राइविंग कर चलने में भाई साहब यहाँ पे अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे अपने सामने एक ही गाड़ी गया, एंड ये वाला गाड़ी बिल्कुल अपने गाड़ी के जैसा ही था भाई साहब, बहुत ही बढ़िया यार, बिल्कुल अपने जैसा कार था। इस वाले बंदे के पास से मेरे को कार टपाना था यार, मेरे को पता है कि ये वाला गाड़ी अपना यहाँ पे ठीक हो जाएगा, फिर भी यार फ्री में ठीक हो जाता तो क्या दिक्कत की बात है। तो ओके तो गाइस यहाँ पे हम फिर यहाँ पे हम आ चुके भाई साहब येलो मार्क के ऊपर, एंड येलो मार्क के ऊपर आने के बाद भाई अब यहाँ पे क्या करना है, भाई वाला बंदा गाड़ी में से उतर चुका है। ओके तो यहाँ पे फॉलो लेमर, ओके तो इस वाले बंदे के पास हमको जाना है फिर से। भाई इस वाले बंदे को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं भाई, हम यहाँ के लीडर है तो भाई इस वाले बंदे को हमको फॉलो करना चाहिए, ये गलत बात है। तो चलो कोई ना यार ये वाला बंदा शायद से हमको यहाँ पे कुछ शिकार होगा, एंड भाई यहाँ पे टैटू वगैरह देखो भाई बंदों ने यहाँ पे क्या ही खतरनाक यहाँ पे कलाकृति आकृति बना के रखी है भाई, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। यहाँ पे लॉस सेंटोस के अंदर भी भाई साहब बहुत ही अच्छे खासे बंदे हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले चलते आगे की तरफ, एंड भाई ये वाला बंदा देखो कतई खतरनाक बन रहा है इन लोगों के सामने। भाई मेरे को पता है यार ये वाला बंदा इतना खतरनाक नहीं है, इसको ये घूसा मारेगा एंड ये वाला बंदा भाई ढेर हो जाएगा। एंड इस वाले बंदे ने भाई बेचारे शराबी को यहाँ पे रात को डरा के यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे शायद से बेहोश कर दिया, आई डोंट नो। चलो यार सबसे पहले इस वाले बंदे के साथ चलते भाई, क्योंकि अगर आगे और कुछ खतरा वगैरह हो गया तो भाई ये वाला बंदा यहाँ पे बहुत ही गलत सिचुएशन में पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे कचरा पेटी के साथ यहाँ पे डस्टबिन जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसके साथ पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं चेक कर रहा था भाई मेरे पास कोई गन वगैरह हो तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ कोई गन वगैरह, लेकिन भाई मेरे पास कोई गन वगैरह नहीं है यार। चलो कोई ना यार यहाँ पे आगे जाके गन वगैरह भी अपने खरीद लेगा। ओके तो सामने तीन येलो डॉट आ चुके हैं, तो देखते भाई जाके यहाँ पे तीन येलो डॉट का क्या सीन है, क्या चक्कर हो भाई साहब। सामने देखो यहाँ पे बिल्ली देखो यार, जस्ट दो दो बिल्ली है भाई, शायद से पता नहीं यहाँ पे अपना खा पी के टहलने की कोशिश कर रही है मेरे ख्याल से। तो गाइस यहाँ पे तीन दुकान है शायद से यहाँ पे जिसको अपने को यहाँ पे शायद से खोलने का, तो इसके अंदर अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा शायद से यहाँ पे। ओके तो भाई सबसे पहला दुकान खोला, तो इसके अंदर तो भाई साहब यहाँ पे कबाड़ है ओनली यार, बहुत गलत यार, ये बहुत गलत चीज़ हो गई यार, यहाँ पे एकला कबाड़ यार कुछ नहीं मिला लिटरली यार। इसके अंदर जाने का कोशिश करते हैं यार, इसके अंदर भी नहीं जा पा रहे। चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे सेकंड गराज खोलते तो भाई इसके अंदर तो 100% कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला ना भाई तो इसका इस वाला जो बंदा मेरे साथ आया ना भाई, इस वाले बंदे का यहाँ पे मैं भाई खोपड़ा फोड़ने वाला हूँ भाई साहब। सामने मेरे यहाँ पे शायद से आर्मर है, ओके लेवल 2 का आर्मर है पबजी का मेरे को ऐसा लग रहा है। खैर यार यहाँ पे लेवल 2 का ही आर्मर था, लेवल 3 का तो अपने को यार अच्छे से पता ही यार। एक बात बतानी पड़ेगी यार, अगर कोई पबजी के खेलने वाला बंदा यार यहाँ पे आता है ना GTA 5 में, तो उसका अलग ही सीन हो जाएगा, क्या बोलते गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर मैं आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद से यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये वाला बंदा ऐसा बोल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो भाई यहाँ पे तीन यहाँ पे नमूने बंदे यहाँ पे आ चुके, तो भाई यहाँ पे अब पंखा होने वाला गाइस, मेरे को 100% लगता है भाई इसने बंदूक निकाली। भाई मार दिया उस वाले बंदे को यार, लिटरली सामने उस वाले बंदे को बंदूक मार दी। भाई ये वाला बंदा यार इसको मैं बहुत ही सस्ता समझता था, एंड इसने अपने को एक गन भी दे दी। तो भाई यहाँ पे गन उठाते भाई आपसे, भाई खुद ने इतना बढ़िया वाला गन रखा एंड मेरे को इतना सस्ता गन दे दिया यार, बहुत गलत यार।
चलो यार कोई ना पिस्तौल तो दी, कम से कम हाथ से लड़ने से तो अच्छा है भाई। यहाँ पे जो दिखेगा आप उसको मारेगा भाई। सबसे पहले इस वाले बंदे को मारेगा, कुछ ज्यादा ही खतरनाक बंदा भाई। चल तू निकल सबसे पहले यार दीवार के पीछे यार, मिल गए दीवार के पीछे यार, छुप के मार रहे। ये सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं ब्रो। ओ भाई साहब इसका देखो यार डेयरिंग देखो भाई, सामने खड़ा होकर बंदा मार रहा है भाई। ये शायद से टेलीफोन के पीछे छुप चुका भाई, इसको तो सीधा रस करके मारेंगे। ओ भाई साहब मैंने पबजी के GTA 5 के अंदर पबजी को मिस कर दिया। चलो यार कोई बात नहीं यार, इस वाले बंदे को मार दे भाई। चल तू निकल यार। टकला कितना खतरनाक यार, पता नहीं क्या खाते यार ये लोग इतना खतरनाक। दो चार गोली मारने के बावजूद ये वाले बंदे नहीं मरते। उसको तो भाई वो देखो ऊपर चढ़ा बैठा भाई, इसको दी मैंने ये खतरनाक वाला गोली यार। यहाँ पे ये तो ढेर हो गया भाई, मेरे को नहीं लगता अभी वाला बंदा यहाँ पे उठने वाला। ओके तो शायद से एक और बंदा यहाँ पे जिंदा भाई, यहाँ पे वो नीचे दिख रहा है भाई। मैं इसको मारे वाले बंदे को यहाँ पे मारने का कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई वाला बंदा पता नहीं किधर की तरफ है, कौन सी तरफ है भाई, दिख नहीं। ओके तो सामने है वाला बंदा, तो भाई इसको मार दे भाई। ओके तो फिर से उठा भाई, देख रहे हो इनके अंदर ताकत कितना है यार, बहुत ही खतरनाक। ओके तो एक बंदा गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश कर भाई, इसको मारे यार पकड़ भाई। इसने अगर गाड़ी ठोका ना बहुत गलत सिचुएशन हो जाएगा भाई। सबसे पहले इसको मारना पड़ेगा क्योंकि यार ये नीचे है, गाड़ी वाला तो अपने को नहीं मारेगा लेकिन ये जरूर मारेगा। तो भाई इसको एक हेडशॉट तो दे दिया है, लेकिन यार ये वाला बंदा मरा नहीं शायद से, या फिर मर गया पता नहीं क्या सीन है। तो यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेते। ओके तो भाई मर गया बिना बात का, मैं उसको यहाँ पे परेशान कर रहा हूँ, बिना बात का दोष दे रहा हूँ। तो भाई ये वाले बंदे गाड़ी में से उतर चुका, तो इसको तो भाई मारते। एंड ये वाला टकला भाई, इस टकले को भी भाई सबसे पहले मारना पड़ेगा। लेकिन यार इस टकले को तो पहले ही गोली बचाई थी ना यार, पता नहीं क्या चक्कर वाला है यहाँ पे, क्या ही सीन चल रहा है। ओके तो एक और बंदा यहाँ पे अभी भी जिंदा है भाई। सब उस वाले बंदे को हमको यहाँ पे मारना पड़ेगा, क्योंकि भाई उस वाले बंदे को यहाँ पे मारना बहुत ही जरूरी है। ओके तो उसको मैं ढूंढने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ शायद से ये। ओके तो ये वाला बंदा नहीं है, तो बेचारा ऑलरेडी मरा पड़ा भाई। ओके तो सामने देखता हूँ भाई, मैं यहाँ पे मिल ही नहीं रहा ब्रो, कहाँ है बंदा यार, व्हाट इज इट। ओके तो शायद से वो लकड़ी के पीछे, नहीं नहीं वो तो लेमोर है भाई वो। अच्छा तो वो किसी को मार रहा है, अच्छा ऊपर मार रहा है। तो भाई चलो देखते यार ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसी एंगल से देखता हूँ ऊपर की तरफ। ओके तो भाई सब देखो भाई अपने यहाँ पे आराम से चढ़े बैठे। तो भाई इसको तो मारता हूँ, एक हेड शॉट ही मारूंगा। चल भाई तू निकल सबसे पहले यार, बहुत गलत यार, सारे के सारे बंदे को अपने को अपने ने मार दिया भाई। अब यहाँ पे वैसे जो चीज़ हम लेने आए थे भाई वाला चीज़ हमको मिला नहीं। ओके तो भाई वो देखो बंदा सामने का। ओके तो ये वाला बंदा भाई साहब यहाँ पे मोटरसाइकिल लेके भाग चुका है भाई, बहुत गलत यार। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे भाई वही चीज़ ये वाला बंदा लेके भाग चुका है यार। इस वाले बंदे को तो अब मैं नहीं छोड़ने वाला भाई, बहुत गलत करा है इस वाले बंदे ने यार। कार लेके भाग गया, जो कि यहाँ पे बाइक, अपने को बाइक का जरूरत नहीं है शायद से यार, बाइक के अंदर का जो कि सामान है उसका जरूरत है भाई। यहाँ पे सबसे पहले यार तू बैठ गाड़ी के अंदर, अब बहुत गलत हो गया यार। अब यार उस वाले बंदे को सीधा जाकर ठोकने वाला हूँ मैं, यहाँ पे सीधा गोली बजाऊंगा भाई उस वाले बंदे को। जब तक नहीं मरेगा तब तक मारेगा भाई, बहुत गलत करा यार उस वाले बंदे ने। तो चलो भाई चलते हैं भाई उस वाले बंदे की तरफ, यहाँ पे फुल स्पीड पे कार भगाते भगाते। अब मेरे को बिल्कुल भी यार कार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार वाला बंदा अपना कार बार बार ठीक करके दे ही देता है। मेरे को पहले लग रहा था कि यार यहाँ पे कार को अपने को ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन यार कार तो वो फ्री में ठीक करके दे ही रहा था, क्या दिक्कत की बात है। तो चलो गाइस यहाँ पे बिल्कुल ठोकम ठाके करते करते चलते हैं भाई साहब उस वाले बंदे की तरफ। यहाँ पे रेड कार वाले बंदे को यहाँ पे मैंने ठोक दिया है। मेरी ड्राइविंग स्किल्स देखो भाई, कतई खतरनाक यार। सारे के सारे बंदे यहाँ पे फेल हो गए भाई, कोई भी बंदा ऐसी ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो यहाँ से सबसे पहले भाई साहब लेते हैं राइट टर्न, क्योंकि भाई यहाँ से अपने को वाला बंदा जल्दी से यहाँ पे शॉर्टकट मिलेगा। तो चलो यार चलते उस वाले बंदे की तरफ। तो वाला बंदे ने भाई साहब लेफ्ट ले लिया आगे से, तो अपने को भी आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो भाई लेते हैं लेफ्ट, यहाँ पे भाई साहब बहुत ही खतरनाक लेफ्ट लिया भाई। सामने से गाड़ी आ रहा है भाई, यहाँ पे हरा मेरे को फिराना पड़ेगा भाई, बहुत गलत यार। सामने से वाला बंदा आ रहा है, इसको टक्कर मार, क्या ही खतरनाक टक्कर मारा लॉल यार। ओके तो वाला बंदा शायद से गिरा नहीं यार, बहुत ही खतरनाक बंदा यार ये वाला भी यार। गाड़ी से एकदम यहाँ पे टक्कर मारते तो भाई बाइक वाले को गिर जाना चाहिए यार। चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे चलता है यहाँ पे अपने, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मिशन को बढ़ाना है शायद से इन लोगों को। ओके तो गाइस यहाँ पे भाई साहब उस वाले बंदे का पीछा करते करते मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पर भाई। वाला बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। इस वाले बंदे को अब चलती गाड़ी में से हम यहाँ पे गोली मारने वाले, चलती कार में से यार इस वाले बंदे को यहीं पे हम यहाँ पे ढेर करने वाले हैं। यानी कि भाई साहब ये बाइक चलाएगा एंड इस वाले बंदे को हम पीछे से भाई गोली मार देंगे, यानी कि मैं खुद ही मारूंगा। एंड भाई ये वाला पेड़ यहाँ पे क्यों रखे भाई, किसी दिन ना यहाँ पे लॉस चढ़ता है उसके अंदर मैं सारे के सारे पेड़ कटवा दूंगा यार। बिल्कुल यार वैसे पेड़ों को कटवाना नहीं चाहिए, लेकिन यार कटवा दूंगा। ओके तो भाई इस वाले बंदे को तो मैंने मारा, एक बॉडी शॉट मारा या फिर पता नहीं कौन सा शॉट मारा। एंड इसके ऊपर से भाई मैंने कार को भी यहाँ पे चढ़ा लिया भाई साहब, बहुत गलत सिचुएशन। अब तो ये वाला बंदा यहाँ पे जीने वाला नहीं भाई, यहाँ पे देख रहे हो बेचारे के अंदर से खून वगैरह निकल रहा है। एंड भाई जो कि अपने को गाड़ी चाहिए था, यानी कि यार मोटरसाइकिल चाहिए था भाई, ये मोटरसाइकिल हमको मिल चुका। एंड अब पड़ चुका भाई साहब फिर से हमारे पीछे पुलिस, वो भी एक स्टार का ही पड़ा है, ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बाइक से है तो अपने यहाँ पे बच ही जाएगा यार, एक स्टार का पुलिस तो हलवा है यार अपने सामने। जब गाइस यहाँ पे तीन या चार स्टार का पुलिस जिस दिन चढ़ा ना भाई, उस दिन बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाएगा। मैं एक दिन ऐसा वीडियो जरूर बनाऊंगा गाइस, जिस दिन हमें ना एक पुलिस वालों को जरूर मारेगा यार, पूरा का पूरा लॉस सेंटेंस यहाँ पे पुलिस वालों से यार डरेगा। या फिर हमारे से भाई यहाँ पे फ्रैंकलिन नाम का एक बंदा रहता भाई, उस वाले बंदे को यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं भेजने चाहिए। ऐसा हम यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे कोहराम मचा देगा भाई, यहाँ पे अपना यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे अपना सिक्का चलना चाहिए यार। हर बंदे के जुबान पे एक ही नाम होना चाहिए गाइस, कि अपने ही यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे खतरनाक बंदे, हमारे सिवा और कोई यहाँ पे खतरनाक बंदा नहीं। अगर कोई खतरनाक
खतरनाक बंदा बनने की कोशिश करेगा तो उसको हम पहले ही मार देंगे भाई। यहाँ पे किसी भी बंदे को हम यहाँ पे खतरनाक बनने कभी देगा ही नहीं। जो बंदा यहाँ पे पैदा होने की कोशिश करेगा उसको वहीं पे भाई साहब यहाँ पे घर में घुस के मार के आएगा साले को, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े गैंगस्टर भाई साहब हम ही हैं। यहाँ पे हमारे सिवा और कोई गैंगस्टर हो ही नहीं सकता। तो गाइस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ भाई साहब फ्लाइंग ओवर साइड से, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि भाई साहब हवाई रोड। ओके तो यार इंग्लिश सस्ता है वैसे यार, चला लेना कोई ना। सामने भाई साहब जस्ट देखो यार कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यार, लिटरली यार एक दो बिल्डिंग तो अपने खरीदे गई भाई, कभी ना कभी यार आगे जाकर वैसे तो पूरा लॉस चार्टोस खरीदने का अपना सपना है यार, लेकिन यार एक दो बिल्डिंग। ओ भाई भाई मैं बात कर रहा हूँ यार पे खरीदने की, यहाँ पे तूने मेरे को गाड़ी ला के ठोका यार। अभी वैसे इस वाले बंदे के साथ मेरे को पंगे नहीं करने यार, वरना इस वाले बंदे को यहीं पे उतर के साले को सबसे पहले मारते यार। तो चलो यार वैसे अभी अपने को पंगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भाई एक स्टार का पुलिस चढ़ा हुआ है, ओके दो स्टार का पुलिस चढ़ गया भाई, लिटरली यार बहुत गलत। अभी एक स्टार का पुलिस था, अभी दो स्टार का पुलिस चढ़ गया यार, बहुत गलत सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पे चलते भाई साहब सबसे पहले फुल स्पीड में, भाई साहब मैं गाड़ी भगाऊंगा तो ओके। तो यहाँ पे पुलिस भाई साहब अपने से हट चुके भाई, जो कि अच्छी बात है। मैंने फिर से गाड़ी ठोका भाई, बाइक तो ठोकूंगा ना भाई, बार बार यहाँ पे मेरा हेल्थ जाएगा, तो मेरे को बाइक का ठोकने में पैसा भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई बार बार ठोकूंगा तो मेरा यहाँ पे हेल्थ चला जाएगा। ओके तो गाइस यहाँ पे इस वाले बाइक को लेकर के हमको जाना है येलो मार्क के ऊपर। तो भाई यहाँ पे तेरा गाड़ी हटा यार सामने से, भाई गाड़ी देख रहे हो यार कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी है यार, सारा का सारा गाड़ी मेरे को चाहिए यार पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं प्रॉपर यहाँ पे एक अपना यहाँ पे पूरा का पूरा रोड खरीद लूँगा भाई, उस वाले रोड के ऊपर गाइस हमारा पूरा का पूरा गाड़ी को बिछा कर रख देगा भाई, जिसको जो मैं डे बाय डे चलाऊंगा भाई साहब। यहाँ पे डे बाय डे नहीं चला गया, दिन के तो यानी कि अठवाड़ी के तो भाई साहब सात ही दिन होते हैं, हम चलाएगा भाई साहब पूरे का पूरा साल का, ठीक है। एक साल में एक गाड़ी यहाँ पे चेंज करेगा, ठीक है। एक गाड़ी एक ही दिन चलाने का एंड उसके भाई साहब दूसरे दिन दूसरा गाड़ी चलाने का ही नहीं। एंड भाई यहाँ पे आप लोग देखो जस्ट यार कितना बढ़िया सीन लग रहा है भाई। अगर आप लोग यार मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी में देखोगे ना गाइस, तो आप लोग यहाँ पे देखते रह जाओगे भाई बिल्कुल रियल लाइफ के जैसा है भाई। मारते सबसे पहले टर्न यहाँ पे लेफ्ट की तरफ चलते हैं भाई साहब, फिर से राइट की तरफ हमको टर्न मारना है। तो चलो भाई साहब मैं मारता हूँ सबसे पहले राइट में टर्न, ओके भाई यहाँ पे मैं टकराते बचा। वैसे यार मेरा ड्राइविंग स्किल्स के अंदर गाड़ी से अच्छा बाइक का स्किल्स मेरे को लग रहा है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को गाड़ी से अच्छा यहाँ पे बाइक खरीद लेना चाहिए, जिससे कि मैं अपने मिशन कर पाऊँ अच्छे से भाई साहब। क्योंकि गाड़ी तो यार यहाँ पे मेरे से चलने से रहा, एंड बाइक जो कि भाई साहब यहाँ पे थोड़ी छोटी सी जगह में से भी बाइक निकल जाता है, तो जो कि एक अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे सामने से बहुत सारी गाड़ी वाड़ी आ रही है, एंड मैंने यहाँ पे लाके भाई साहब ठोक दिया, पता नहीं ये क्या चीज़ है, मेरे को कुछ टेलीफोन बूट का सा ऐसा लग रहा है। ओके तो गाइस यहाँ पे अपने आ चुके जिस वाली जगह पर हमको आना था, एंड यहाँ पे आने के बाद भाई साहब देखो सामने लेमर खड़ा ही है भाई। ये वाला बंदा ना मेरे सामने से पीटेगा भाई, किचन में बता रहा हूँ भाई, हर बार छोड़ कर चला जाता है मेरे को। तो चलो गाइस अगर आपको आज के वीडियो में आया मजा, तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम एंड बाय।